ईएफटी टैपिंग एक ऐसी मोडालिटी है जहां हम अपने अपनी ही बॉडी के कुछ ऐसे मेरिडियंस को टच करके अपने पेन्स को जो इमोशन से रिलेटेड है या उन डिजीज़ेस को रिलीज करने की कोशिश करते हैं। सो टुडे वील फर्स्ट लर्न कि ईएफटी है क्या, ये टेक्निक किस चीज़ पे काम करती है और कहाँ से स्टार्ट हुई, एंड देन आफ्टर दैट वील हैव अ प्रैक्टिकल। ईएफटी अगर आप देखें तो एक बॉडी माइंड की सेल्फ हेल्प मेथड टेक्निक है। सेल्फ हेल्प इसलिए क्योंकि हम खुद ही कर सकते हैं इसे, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। अब इसमें हम क्या करते हैं, वी कंबाइन अ जेंटल टच, वी आर यूजिंग आवर फिंगर्स। तो बहुत जेंटल टच को हम अपने फोकस के साथ कंबाइन करते हैं और अपनी थॉट्स और फीलिंग्स पे काम करना शुरू करते हैं। ईएफटी इन्वॉल्व्स आर फिंगर टिप्स। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, हम अपनी तीन फिंगर्स यूज करते हैं ऑफ द डोमिनेंट हैंड। वी यूज द इंडेक्स फिंगर, द मिडिल फिंगर एंड द रिंग फिंगर। फुल फॉर्म ऑफ ईएफटी इज इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। हमारे इमोशंस हमारी बीमारियों की, हमारे दर्द का कारण होते हैं, तो उन इमोशंस को हम इन तीन फिंगर्स का यूज करके अलग अलग जगह पे टैप करते हैं और इन इमोशंस को हम रिलीज करते हैं। ये जो पॉइंट्स हैं जहां हम टैप करते हैं, ये एक्यूपंचर या एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं जो हमारे फेस और बॉडी पे होते हैं। अब इन्हें टैप करते हुए सबसे पहले हमारा फोकस होता है हमारे कंसर्न एरियाज पे, हमारी प्रॉब्लम्स पे जिसे हम रिजॉल्व करना चाहते हैं। फिर ईएफटी यूज क्यों करना चाहिए, आपने जब आप मेडिकल साइंस काफी आगे जा रहा है फिर भी आज के टाइम में ईएफटी क्यों यूज करना चाहिए। कुछ मेरिडियंस पे जब हम टैप करते हैं तो ये क्या करता है, ये बैलेंस कर देता है नेचुरल एनर्जीज को। हमारी बॉडी में बहुत सारी नेचुरल एनर्जीज हैं, इसीलिए कभी भी आप नोटिस करेंगे तो सूर्योदय के टाइम पे जो लोग उठते हैं, जो लोग अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, दे आर वेरी एक्टिव। जो थोड़ा सा लेट उठते हैं उनमें वो लेथार्जी की फीलिंग रहती है। तो वो क्या है, क्योंकि सूर्योदय अपने साथ एक एनर्जी लेके आता है। सन इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, दैट एनर्जी इज रिसीव्ड बाय आवर बॉडी एंड आवर बॉडी बिकम्स एनर्जेटिक। अब अगर वही सूर्य की किरणें जैसे जैसे नून की तरफ बढ़ती है तो उसमें वो पॉजिटिव इफेक्ट्स के साथ साथ गर्मी भी आ जाती है, विच मेक्स अ पर्सन फील लेथार्जिक। तो इसलिए इंसान लेजी फील करता है। इन नेचुरल एनर्जीज को जब हम टैप करते हैं और हम इन्हें रिलीज करते हैं तो हम अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को भी रिलीज करते हैं। कई बारी हम खुद मान लेते हैं कि ये प्रॉब्लम ऐसी है जो ठीक नहीं हो सकती। सो दिस इज आवर ओन लिमिटिंग बिलीफ। सो वी नीड टू रिलीज आवर लिमिटिंग बिलीफ, वी नीड टू रिलीज आवर फियर्स, तब जाके हम अपने आप को बैलेंस कर पाते हैं, अपनी एनर्जीज को बैलेंस कर पाते हैं। फिर कईयों को गुस्सा बहुत आता है, तो ईएफटी टैपिंग से हम गुस्से को भी कम कर सकते हैं। कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं, उनको ये नहीं पता उन्हें लाइफ में क्या करना है, बहुत कंफ्यूजन रहती है उनके दिमाग में, तो उनका फोकस बढ़ा सकते हैं। कुछ लोगों को क्रेविंग्स होती है, जैसे कुछ एडिक्शन हो तो उसकी क्रेविंग, या फिर फूड हैबिट्स में क्रेविंग्स होती है, जैसे स्वीट की क्रेविंग है या बहुत चटपटे की क्रेविंग है, तो हम उसको भी रिलीज कर सकते हैं। ये माना गया है कि ईएफटी वहां हेल्प करता है जहां कुछ और हेल्प नहीं कर पाता, जहां पे मेडिसिंस भी एक पॉइंट पे आके हेल्प करना छोड़ देती हैं, वहां पे ईएफटी हेल्प करता है। ईएफटी यानी कि इमोशनल फ्रीडम टेक्निक को क्यों यूज करना चाहिए, इसके मेन रीजंस है कि एक तो बहुत आसान है सीखना, इसको आप खुद से कर सकते हैं, कुछ ही मिनट्स का काम है और आपकी बॉडी डेली बेसिस पे कंडीशन होती चली जाती है। देन इट इज वेरी वर्सटाइल, इसमें आपकी खुद की पर्सनल एनर्जी इतनी नहीं लग रही है, अनलाइक अदर हीलिंग मोडालिटीज विच वी फॉलो। इवन आई फॉलो लाइक रेकी वगैरह में हम जब करते हैं तो सामने वाले की अगर एनर्जीज ड्रेन आउट हो तो कहीं ना कहीं वो हमें भी इफेक्ट करती है। तो इसलिए हम लोग ईएफटी को यूज करते हैं।
सो दीज वर द मेजर पॉइंट्स कि हम लोग EFT क्यों यूज करते हैं.